दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों को फिर से और एक न्यू बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, क्योंकि अगले वीडियो में मैंने दिखाया था एक गेमिंग कीबोर्ड ज़िब्रोनिक्स का, लेकिन यहाँ पर आज मेरे पास है एक ज़िब्रोनिक्स का एक गेमिंग माउस जिसका नाम है ज़ेब ट्रांसफॉर्मर एम, जो बेसिकली एक मतलब बहुत ही कम दाम में एक बहुत बेहतरीन माउस आता है। बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, साथ साथ में आपको RGB लाइटिंग मोड भी देखने को मिलता है। तो फिलहाल यह रहा इसका बेसिक सा बॉक्स। बॉक्स के अंदर जस्ट ओनली फॉर माउस और एक मैनुअल दिया जाता है, मतलब एक पेपर जस्ट और कुछ नहीं। और इसका अगर प्राइस का बात करूँ तो 400 से 500 के अंदर आपको बहुत ही RGB वाला गेमिंग माउस देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैंने इसको बाहर निकाल लिया तो ऐसा देखने को मिलता है माउस, देख सकते हैं। और इसका अगर बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो ऑसम बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर दिया गया है, मतलब एक रबर सा ग्रिप सा फिनिश आता है। साथ साथ यहाँ पर आपको LED लाइट की टोटल 7 कलरफुल लाइटिंग मोड आप लोगों को देखने को मिला। और जो माउस है फिलहाल प्लास्टिक का है, लेकिन नीचे का जो साइड है बिल्कुल मतलब एल्यूमिनियम से बना हुआ है। और साथ साथ मिडिल पे आप लोगों को एक बटन मिलेगा, जिस बटन से आप लोग मतलब माउस का स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, जो एक बहुत अच्छा बात है, क्योंकि सेटिंग्स पे जाकर कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इसी बटन से आप लोग मतलब क्या बताओ माउस से ही काम कर सकते हैं। साथ साथ जो नॉर्मल चीज़ होता है तो होता है, उसके बाद लेफ्ट साइड में 2 बटन दिया जाता है, जिसी बटन से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से गेमिंग कर सकते हैं, बिल्कुल मतलब गेमिंग के लिए बनाया गया है। साथ साथ यहाँ पर आपको ब्रेडेड केबल मिलता है, जो इजी प्राइस में बहुत ही कम कंपनियाँ मतलब देता है ब्रेडेड केबल। मैंने तो आज तक मतलब 400 के नीचे में ब्रेडेड केबल नहीं देखा, नॉर्मल सा केबल दिया जाता है। लेकिन इसी ज़िब्रोनिक्स ट्रांसफॉर्मर एम पे आपको मतलब एक क्या बताओ बहुत ही कूल देखने वाला एक माउस है, मतलब हाथ पे पकड़ के भी बहुत अच्छा रहा है। मैं ऐसा नहीं इसका प्रमोशन वगैरह करूँ, मेरे को बहुत स्मूथ लगा और मतलब यूज़ करके भी बहुत मज़ा आया। और देखते हैं कितना दिन लास्टिंग होता है, वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ कभी भी ख़राब हो सकता है। तो ये तो था ज़िब्रोनिक्स का ज़ेब ट्रांसफॉर्मर एम एडिशन वाला माउस, जो खास करके लो प्राइस में मतलब गेमर्स जो जितना सारा गेमर्स है सबके लिए बनाया गया है। इसके अलावा भी मैंने और एक चीज़ परचेस किया, आप लोग चाहे तो सिंपल सा परचेस कर सकते हैं किसी माउस को और भी बेटर और स्मूथ यूज़ करने के लिए, एक माउस पैड। मैंने आयरन मैन वाला माउस पैड, और जो माउस पैड है मैंने 150 रुपये में इसे खरीदा है, बहुत ही सस्ता है। साथ साथ यहाँ पर ऊपर आयरन मैन का एक पिक्चर दिया हुआ है, साथ साथ आप चाहे तो एवेंजर या और भी बहुत सारा माउस पैड आता है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छा होगा, मतलब माउस इस्तेमाल करके बहुत ही मज़ा आ गया, क्या बताऊँ। साथ साथ यहाँ पर नीचे आपको रबर का ग्रिप देखने को मिलता है, जिससे अगर आप टेबल पर टच करेंगे तो आपका माउस पैड वहीं पर ही रहेगा, कहीं पर जाने वाला नहीं, मतलब माउस के साथ साथ। तो फिलहाल माउस पैड तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ये था 2 चीज़ जो आप लोग परचेस कर सकते हैं अगर आप गेमिंग वगैरह करते। डिज़ाइन भी बहुत है कलरफुल, माउस मिलता है बहुत ही कम दम पे, और साथ साथ पैड माउस पैड को भी खरीद सकते हैं। और इससे अलावा भी बहुत बढ़िया मतलब ज़्यादा बड़ा माउस पैड मिलता है, अगर आप चाहे तो उसे भी खरीद सकते हैं। और अगर आप लोग इसे खरीदना चाहते हैं इसी दोनों चीज़ को, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया इसी दोनों चीज़ का, जाकर चेक कर सकते हैं आप, खरीद सकते। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि माउस और माउस पैड आप लोगों को पसंद आया कि नहीं। और साथ साथ अगर कोई भी इसी माउस को इस्तेमाल करते तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपका माउस अभी तक भी फिलहाल ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। और एक बात, वीडियो को अगर पसंद है तो लाइक करके जाइए। तो आज का इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और मज़ेदार अमेजिंग वीडियो पर।